ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। श्रेष्ठ स्थिति के आसन में विराजमान रहो, सदा श्रेष्ठ स्थिति में रहो। कोई कुछ भी बोल रहा है, आप बोलिए मैं भगवान का बच्चा हूँ, मुझे बहुत अच्छा करना है। तो आपकी ये सोच, आपकी स्थिति आसन बन जाएगी और आपको हर परिस्थिति से ऊंचा उड़ा देगी। हमेशा बोलिए परिस्थिति बड़ा नहीं, बड़े तो मैं हूँ, बड़ा तो मैं हूँ। कोई व्यक्ति बड़ा नहीं है, बड़ा तो मैं हूँ, क्योंकि मैं भगवान का बच्चा हूँ, मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है। तो अपसेट होने के कारण यह है कि अपनी श्रेष्ठ स्थिति की सीट से साधारण स्थिति में आ जाते हो। अपसेट क्यों होते हो, उदास कब होते हो? जब आप सोचते हो कि कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा, अब क्या करें। यानी देहभान में आप रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन भगवान बोलता है कि जब चारों तरफ से रास्ता बंद हो जाए तो ऊपर का रास्ता खुला हुआ है, वो ऊपर टाल लेगा। तो बाबा कहता है जब तुम देहभान में आते हो तो मूंझ जाते हो कि मैं कहाँ जाऊँ। याद में रहना, सेवा करना एक साधारण दिनचर्या बन जाती है। फिर चलो याद कर रहे बाबा बाबा, या सेवा कर रहे, कहीं भी जा रहे आ रहे। लेकिन अगर स्थिति परफेक्ट नहीं है तो आज सेवा कर रहे कल छूट भी जाएगा, तो क्या फ़ायदा, रो इतना सो सेवा कर रहे हैं, कहाँ कुछ हो रहा है। लेकिन अपनी स्वमान की सीट पे आप बैठ के कर रहे हैं तो सेवा तो सफल हो रहा ही, आपका स्थिति पावरफुल हो जाएगा। लेकिन याद में बैठते हो तो अपने को कोई ना कोई श्रेष्ठ स्वमान की सीट पे बैठाओ। सिर्फ ऐसे नहीं कि याद के स्थान पर, चाहे योग के कमरे में, चाहे बाप के कमरे में, या बिस्तर पर जब बैठते हो तब तभी योग करना है। नहीं, मतलब बोलते हैं ना कि बैठेंगे तब अच्छा से योग करेंगे, जब जाएंगे क्लास में तब अच्छा से योग करेंगे, या बाबा के कमरे में जाएंगे तो नहीं। आप बर्तन धो रहे हैं, आप महसूस करें हम बाबा की छत्र छाया में, बाबा की पवित्र किरणें हमारे ऊपर बरस रही है और मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो इस तरह से स्वमान की सीट लेना है कि मैं कहाँ हूँ, बाबा की गोद में हूँ, बाबा निरंतर मुझे शक्तिशाली बना रहा है, मैं उसकी संतान हूँ, वो टीचर बनकर मेरी बुद्धि को टच करा, बच्चे ऐसे करो ऐसे करो। तो सोचने का भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए बाबा कहता है ऐसा नहीं सोचो कि बाबा के कमरे में, मुरली में या अमृत वेले तभी हम याद कर सकते, काम करते हुए भी याद कर सकते हैं। तो योग स्थान मिले तभी हम, मेरी बुद्धि शुद्ध हो, ऐसा नहीं। योग स्थान हो तब मेरी बुद्धि शुद्ध हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले चेक करो बुद्धि को स्थान ठीक दिया कि नहीं। बुद्धि को स्थान ठीक दिया, बुद्धि का स्थान है स्वमान, अपने आप को मान देना, मैं बहुत अच्छी हूँ। आज तक दुनिया वाला बोला तुम बहुत खराब हो, लेकिन बाबा में बोलता है क्या, तुम भी बोलो अपने आप को अच्छा। हम तो बोल ही रहे कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम अपने आप को भी बोलो हम बहुत अच्छे हैं। अपने आप को मान देना, स्वमान अपने आप को मान देना है। तो ईश्वरीय नशा सीट से स्वतः ही आ जाता है, ईश्वरीय नशा आ जाता है जब हम स्वमान की सीट पे बैठते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं, हम उनकी गोद में। तो नशा चढ़ जाता है कि जब भगवान कर सकता, भगवान से एक बार बोले कि भगवान ये कार्य कर दो, तो बोले कि तुम ही कर लो। बोले कि भगवान आप तो बहुत महान हो, बोले आज तुम भी तो मेरी संतान हो, तो तुम भी महान हो, तुम भी कर सकते हो। फिर भगवान पूछे अच्छा बताओ हम कैसे करेंगे, तो हम बोले कि बाबा आप है ना तथास्तु बोल दीजिएगा ना तो हो जाएगा। दिखाते हैं ना टीवी में कि हमको ये वरदान चाहिए, तो भगवान क्या बोलते तथास्तु, हो गया। फिर वो नाचने लगता कि हमको तो वरदान मिल गया, तो बाबा बोला तुम अपने आप को ऐसे ही बोलो, बातें करो भगवान हमको बोल रहा तथास्तु और तुम्हारा हो जाएगा, तुम नशे में काम करना शुरू कर दो, देखो होता है कि नहीं, आसान है। ऐसे बोलेंगे भगवान आएगा सामने तो बोलेगा तथास्तु, नहीं वो एनी टाइम मेरे साथ है। तो आजकल भी कुर्सी का नशा कहते हैं ना, कोई भी ऊंचा पोस्ट का होता है तो नशा रहता ना, हम तो ये हैं, तो हमें तो ज़्यादा नशा ना रहना चाहिए क्योंकि हम तो भगवान के बच्चे हैं और सब अच्छा हो सकता है हमारे द्वारा। तो आपको तो श्रेष्ठ स्थिति की आसन है, कभी मास्टर बीज रूप की स्थिति के स्थान पर सीट पर सेट हो जाओ, तो कभी अव्यक्त फरिश्ते की सीट पर सेट हो जाओ। बाबा कहता मास्टर लगा दिया बाबा, बाबा है सागर, तो हमें क्या बोलता है, तुम मास्टर सागर हो, कम तो नहीं दिया,
हाँ हम उसके बच्चे इसलिए मास्टर लग गया। तो कितना ऊंचा स्थान दे दिया कि हम भी सागर हैं, केवल मास्टर सागर है, उसकी संतान है। तो कभी विश्व कल्याणकारी सीट पर सेट हो जाओ। मैं साधारण आत्मा नहीं हूँ, ना ही मैं सेंटर के लिए केवल हूँ, ना ही मैं केवल एक परिवार एक राज्य के लिए हूँ, मैं तो विश्व कल्याणकारी हूँ। अब विश्व कल्याणकारी आप कैसे बन जाएंगे? आप संकल्प तो लिए, अब बाबा कहता संकल्प रूपी कदम तो ले लिया, अब स्थूल कदम भी ले लो। तो स्थूल कदम क्या होता है लेना? तो जैसे आप बोलते हैं विश्व कल्याणकारी हूँ मैं, तो विश्व की जितनी आत्माएं वो कौन हो गई? हमारी अपना परिवार हो गया, तब तो हम कल्याण करेंगे। कल्याण किसका किया था? जो अपना हो, परिवार हो। तो विश्व की किसी भी आत्मा को देखे तो क्या देखे? अपनेपन से, ये मेरे अपने हैं, हमें दो सबके साथ समान भाव रखना है। ये नहीं कि ये मेरा बच्चा है वो दूसरे का बच्चा है, नहीं, सारे बच्चे मेरे हैं और कोई में ज्यादा प्यार कोई में कम प्यार बिल्कुल भी नहीं, सबको एक बराबर। तो ये स्थिति बनाकर चलना है। तो ये आपको चेक भी करना होगा, क्योंकि देखिए अभी आप लौकिक से निकल रहे हैं, तो लौकिक से निकल रहे हैं तो जब भी मतलब कभी होता है ना कि किसी को सामान कुछ देना है, आपके बच्चे भी खड़े हैं और बाहर के भी बच्चे खड़े हैं तो क्या होता है कि हम मतलब मन में संकल्प चल जाता है कि अपने बच्चे को दे देते हैं, फिर उन लोगों को देंगे, आता है ना। लेकिन उस समय याद रखें मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, सभी मेरे ही बच्चे। हम किसको अपना समझ रहे हैं? क्या ये हमेशा बच्चे अपने रहेंगे? आज हम शरीर छोड़ दें क्या ये मेरे अपने रहेंगे, या ये लोग शरीर छोड़ देंगे तो अपने रहेंगे? तो फिर ये क्यों, ये भेदभाव क्यों? तो उस समय हम लोगों को चेक करना ये सब। तो विश्व कल्याणकारी स्थिति में सीट पे सेट रहो, तो तुम विश्व कल्याणकारी जब बनोगे तो विश्व का महाराजा महारानी बनोगे। विश्व का महाराजा कब आपको नियुक्त किया जाएगा? जब आप पूरे विश्व के लिए सोचेंगे करेंगे। तो ऐसे हर रोज भिन्न भिन्न स्थिति के आसन में स्थित हो जाओ, भिन्न भिन्न। अभी बहुत लोग बोलते हैं ना कि अपना तो विघन आते रहता, दूसरों का क्या विघन सुनने जाएं। ऐसे भी बाबा बोलता है किसी का शिकायत नहीं सुनने के लिए। तो शुरुआत में ये सब हमारे पास भी आया तो उस समय सोचते थे कि भगवान हम भी तो तुम्हारे पास शिकायत बहुत किए हैं। तो भगवान बोले कि जब तुम मेरे पास शिकायत करती थी तो हम जानते थे कि दोष किसका है, लेकिन फिर भी तुमको सपोर्ट किए। क्यों? क्योंकि तुम अच्छा बन सकती हो, क्योंकि तुम मुझे पहचान चुकी हो, और फिर तुम्हारी गलतियों को तुमको एहसास भी करवाएं, और उसके बाद हम सपोर्ट किए। और ऐसे क्या होता है कि लौकिक परिवार जिससे मेरा अच्छा बन रहा ना, तो अगर वो सुनाने आया ना तो हम उसी को सपोर्ट करते, क्यों मेरे से रिश्ता कम से कम बना रहे। भगवान वैसे नहीं करता है, भगवान जो सही है क्योंकि उसका पूरा परिवार है विश्व। तो हमें हमारे पास भी जब कोई शिकायत करने आया तो शिकायत के रूप में नहीं सुने, समाधान के रूप में सुने। एक होता है शिकायत के रूप में सुना, उसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, ये होता है शिकायत करूँ। और एक होता है सामने वाला आया है शिकायत करने, क्यों, समाधान लेने के लिए। तो आप समाधान देने के लिए सुन रहे हैं और उसका असर फिर अपने ऊपर नहीं लाना है। अब कोई बोल दिया ना मेरी सास ऐसे करती है, मेरी बहू ऐसे, आप बोले देखो ना सही में उसकी सास ऐसे करती है, तो आप देह भान में आ गए, आपके ऊपर 100 गुना दंड चढ़ गया, पाप चढ़ गया। तो आपको जब किसी का शिकायत सुनना है तो उसकी बातों का असर पहले अपने ऊपर नहीं होना चाहिए, तभी सुने। अगर हो रहा है असर तो 100 गुना दंड के हकदार बन जाएंगे। तो इसीलिए जब सुनने लगे तो बोले क्या फायदा किसी और का बात को अपने अंदर लेने का, चलो उसको उपाय बता दिए। आज एक बार पूछी कि कैसे किसी को समझाते हैं, सो कोई उदाहरण याद ही नहीं आ रहा क्या समझाते, क्योंकि जब जो समस्या लाता है उसके अनुसार आत्मिक स्थिति में आकर उसको समाधान दे देते, तो याद थोड़ी रहता है किसका क्या समस्या, हजारों का आता है समस्या, तो याद तो था नहीं। और बोरी कैसे आप समझाते हमको भी बताइए, हम भी समझाएंगे। तो कैसे बता दें, हमको तो याद भी नहीं है कौन क्या बोलता है, और इस मुख से बाबा क्या क्या बोलवाता है, जिस समय हुआ उस समय खत्म। तो ये ऐसा स्थिति बनाइए कि हर बात को बिंदी, खत्म हो गया, सुने समाधान दिए खत्म, उससे ज्यादा आगे नहीं।
तो ये सब चेक करो, रोज रोज चेक करो अपना पोता में कि तुम डेली क्या इस दिनचर्या में स्थित हो। ये जो हमारे अंदर का स्वमान है, हमारे अंदर की स्थिति है, वो सेट है तुम्हारा? तो हर दिन फिर चेक करते जाएंगे, तब आप किसी का शिकायत सुन सकते हैं, शिकायत सुनकर उसको समाधान दे सकते हैं। और नहीं तो किसी को बार बार बाबा कहता ना शिकायत सुनो ना शिकायत करो। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि आप समाधान के लायक नहीं है अभी, तो आपको नहीं। तो इसीलिए बाबा बहुत बार बोला कि केवल निमित्त के आगे बोलो, सबके आगे नहीं बोलो, क्योंकि हो सकता है किसी का स्थिति कमजोर हो, देहभान हो, आपको बोल दे सही में आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है। ये बोलना आपके ऊपर तो पाप चढ़ा ही, उसके ऊपर भी पाप चढ़ जाएगा। बुरा तो वास्तव में किसी के साथ हो ही नहीं रहा है, बुरे तो हम लोग थे, हम लोग करते आए उनके साथ बुरा, जो आज बुरा कर रहे हैं। तो इसीलिए ये स्वमान का सीट बहुत जरूरी है। जब भी विघ्न आया बोलते थे मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ बाबा, और मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ, तो मुझे इसका उपाय दो, देखो ऐसा ऐसा आया है। जब भी विश्व काल लगा कि हमको प्रत्यक्ष अपने आप को भी देखना है कि चारों तरफ हम प्रत्यक्ष हों, तो इसके लिए भी क्या बोले, मैं विश्व कल्याण करूँ, पहले कल्याण करेंगे तब तो प्रत्यक्ष होंगे। या तो कोई अच्छा करता है तो फेमस होता है, या कोई बुरा हो करता है तो फेमस होता है। तो बाबा का बनने के बाद तो बुरा नहीं करना है, तो जरूर कल्याण ही करना है। तो कल्याण करते चले जाएं, नाम मान शान की इच्छा को किनारा कर दें, क्योंकि इसलिए भी किनारा कर दें क्योंकि बहुत ऐसा नाटक तेनालीराम का देखें और भी बहुत सारा देखें कि कभी कभी लोग तो एकदम पालकी में बैठा लेता है सर पे, और एक सेकंड नहीं देरी लगता उसको जमीन में पटकने में, देरी लगता है। आज आपका बहुत बड़ाई कर रहा कोई, अब कल शिकायतों का लग रहा है कि पूरा लरी लगा देता है, आप ऐसे हैं आप ऐसे हैं, तो लगता है कि क्या इसमें पढ़ना, शिकायत और स्तुति में, निंदा स्तुति बाबा बोलता है ना, नहीं फंसना है। तो बस कल्याण की भावना रखें, सबका कल्याण हो, दोस्त दुश्मन कोई भी नहीं। अगर सब बाबा के बच्चे बन जाएं तो कोई दुश्मन रहेगा ही नहीं, दुश्मन तो यहाँ है जो रावण बना दिया है। वास्तव में हम सब एक परिवार हैं, हम लोगों को ज्ञान मिल गया तो हम लोगों को सुधारना होगा। जैसे कि घर में बड़ा बेटा हो गया, तो बड़ा बेटा हो जाता है तो उसको बोलते हैं छोटे को संभालो, तो हम लोगों को ज्ञान मिल गया, हम लोग बड़े हो गए। अब बाबा हमसे उम्मीद करता कि बच्चे अपने छोटे भाई बहनों को संभालो, तो देखने में उम्र से वो बड़े हैं लेकिन वो ज्ञान में नहीं है, इसलिए वो छोटे हैं। तो छोटे हैं तो क्या करना होगा, संभालना तो होगा ना, उम्र तो नहीं देखना होगा ना। इसीलिए मम्मा के पास कोई भी आता था तो मम्मा तो कम एज की थी, अब बूढ़े बूढ़े सब मम्मा मम्मा कह के उनकी गोद में बैठते थे। क्यों? क्योंकि वो लक्ष्मी का अवतार थी ना, लक्ष्मी का स्वरूप दिखता था, ममता मई माता का रूप नजर आता था, जगत अम्बा का रूप नजर आता था। वही स्वमान हम भी लिए, बार बार लेते हैं कि मैं विश्व की माता हूँ, मैं विश्व की माता हूँ, और महसूस भी कराता है कि देखने में कोई कोई बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन अकल ना नहीं रहता है, अकल नहीं है उसको, बात करने का अकल नहीं है उसको, कैसे रहना चाहिए उसका अकल नहीं है। तो महसूस होता है कि शरीर बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो यही है मतलब कि आप शरीर से भल बड़े हो गए लेकिन अगर आपके अंदर वो गुण वो क्वालिटी नहीं है, वो स्वमान नहीं है, तो आप बच्चे हैं, आप बच्चे हैं। तो इसीलिए अगर आप स्वमान लेते हैं कि मैं जगत अम्बा हूँ, विश्व की माता हूँ, तो माता का रूप नजर आना चाहिए। माता कैसी होती है? माता सुधारने वाली होती है, माता रहम दिल होती है, ममता मई होती है। अब देखिए कोई किसी का अवगुण दिख रहा है, दिख रहा है, आप बोले हमको क्या मतलब है, बेकार का अवगुण बताएंगे तो लड़ाई हो जाएगा। आप माता का रूप नहीं बने, माता कभी भी बच्चों के अवगुण को छुपाती नहीं है, मतलब दूसरों से छुपाती है लेकिन अपने को हमेशा तैयार रखती है कि बच्चों में ये अवगुण ना रहे। डांटती है, समझाती है, सावधानी देती है, लेकिन देती जरूर है अपने बच्चों को, देखो ये गलत काम मत करना बोलते हैं ना। तो यहाँ भी जब आप माता बनी तो फिर सामने वाले को बुरा लगे या भला लगे, हमको उसको बताना है कि देखो तुम यहाँ गलती कर रही हो, इसको ठीक करो।
क्योंकि आप एक माँ हैं। कुछ देर के लिए उसको बुला ले। अभी हाल में एक बहन को डांट दिए। वो भावना था तो उसको तो लगा कि एक पड़ोसी के रूप में डांट दी। और हम डांटे किस रूप में? क्योंकि ज्ञानी आत्मा में एक माता के रूप में है। उसको थोड़ा देर के लिए बुरा लग गया कि मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेगा, हमको ऐसे डांट दी है, बहुत बोली। हम बोले नहीं, मेरा भावना उसको टच जरूर करेगा। बाद में उनको रियलाइज हुआ कि आखिर पड़ोसियों के कोई क्या क्यों डांटेगा, पड़ोसी किसी को डांटेगा क्या? फिर वो रियलाइज की कि नहीं, एक माँ के रूप में डांटी, गलती मेरी है। तो ये बाबा कहता है भावना आपको, आपका जो भावना है ना वो सामने वाले को टच करता है। इसलिए सदा भावना से काम करें कि हम किस भावना से काम कर रहे हैं। किसी को बोलने से पहले चेक करें खुद को कि मेरे अंदर ये शब्द बोलने के लिए क्या भावना उत्पन्न हो रहा है। चेक होता है अब अपने मन का भाव? किसी से बोलने जाते हैं तो भाव चेक होता है कि हम किस भाव से बोल रहे हैं? आप चेक कीजिएगा, आपके घर में गेस्ट आया, आप चेक कीजिए कि आप किस भाव से उसका स्वागत कर रहे हैं, भारी होकर हल्के होकर। पहले गेस्ट आता था तो लगता था क्यों आ गया, बहुत काम बढ़ जाएगा। अब आते के साथ ये भाव आता है, अच्छा है आया ना, ब्रह्मा भोजन खिलाएंगे, उसका भी मन परिवर्तन हो जाएगा, उसको भी बाबा का परिचय देंगे, बस ये हो गया कल्याण की भावना। तो चेक एंड चेंज करते चले जाएं। 24 घंटे हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि हम लोग लौकिक परिवार में हैं, और वो लौकिक परिवार जो ज्ञान में नहीं है भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा हम लोग परीक्षा के रूम में बैठे हुए हैं, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, क्योंकि चारों तरफ अज्ञानी आत्मा जो लेने आ रही है परीक्षा, और हम बार बार परीक्षा देकर खुद को बार बार चेक कर ले रहे हैं कि मेरे अंदर गलती क्या है, अब उसको सुधार लेना है, अब उसको सुधार लेना है। तो ये अच्छा है। और जिसका एग्जाम 2 साल में होगा, 3 साल में होगा, वो चेक थोड़ी कर पाएगा, वो तैयारी भी नहीं कर पाएगा और चेक भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये परीक्षा ना बहुत ज़रूरी है। कौन कड़वा बोल रहा है, कोई खट्टा बोल रहा है, कोई तीखा, कोई मीठा, हर परिस्थिति में हमें चेक करना है कि मेरे अंदर कौन सी स्थिति है। कोई मीठा बोल रहा है, कोई आपको बहुत बड़ाई कर रहा है, उस समय भी स्थिति को चेक करना, कहीं अहंकार तो नहीं आ जाता हम बहुत अच्छे हैं, वो बड़ाई कर रहा उसको लग रहा है, लेकिन इस बड़ाई के लायक कौन बनाया? बाबा बनाया। तो शुक्रिया किसको जाना चाहिए? बाबा को। अपने अंदर अहंकार कहाँ से आ जाएगा? आएगा क्या अहंकार? बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि बनाने वाला बाबा है। एक अनुभव हुआ, जब लास्ट दिन था पूर्णाहुति के दिन, तो हम बाबा को बोल रहे थे क्या करना है, बाबा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल आइडिया नहीं था कि प्रोग्राम को कैसे आगे करना है। और अचानक से अनुभव सुनाने का डिसीजन आया कि सब अनुभव सुनाइए, तो ये बहुत अच्छा लग गया, सबका अनुभव शेयरिंग हो गया। तो ये सारा कुछ टच करवा के बाबा करवाता है सारा काम। हम लोग केवल कठपुतली है, कठपुतली वाला खेल देखे है ना, कि धागा से ऐसे ऐसे करता, उन लोग का ताकत है क्या कठपुतली में? नहीं है। वैसे ही बाबा ऊपर से हम लोगों को नचा रहा है और हम लोग नाच रहे हैं, और कुछ भी नहीं है, इंजॉय कर रहे हैं लोग हम लोगों को देख कर, या हम लोग उन लोगों को देख के इंजॉय करते हैं लोगों का कहानी, लेकिन वास्तव में डोर भगवान के हाथ में है कि कैसे चलाना है। तो इसीलिए निश्चय बुद्धि, निश्चिंत अवस्था, और अपने अंदर की स्थिति को स्वमान की सीट पर सदा सेट रखें, तो हमेशा आप आगे बढ़ेंगे। आगे क्या बढ़ेंगे? आप उड़ने लगेंगे, क्योंकि बाबा उड़ाता है, फरिश्ता है ना ब्रह्मा बाबा, संपूर्ण फरिश्ते के तन में शिव बाबा है ना, तो वो उड़ाएगा, वो दौड़ाएगा या चलाएगा नहीं। और यही आज कारण है, उड़ाने का ही कारण है जो आज हम लोग अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। उड़ा रहा है बाबा, क्योंकि सब कुछ समर्पण कर चुके हैं, तन मन कितना भी थके हुए रहें, अगर आ जाए सेवा, ना नहीं करते, ना नहीं करते, कर लेंगे। बाबा आ जाओ, सेवा है, आ जाओ बाबा, ताकत भरो, तो बस। लेकिन ना नहीं, किसी भी हालत में ना नहीं, ये स्थिति बना लेना हम लोगों को। हाजी करने वाला आगे बढ़ जाता है, नाजी करने वाला ठहर जाता है। तो सदा हाजी का पाठ अदा करें, यही चीज़ मम्मा की, और मम्मा आज बन गई नंबर 1 मम्मा, तो हमें भी हाजी का पाठ करना है।
ओम शांति।